मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सागर माना। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से पंचांग बनता है। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्त। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूं। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज शनिचर, तारीख 22 जुलाई 2023, शालिवान सन 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु वर्षा, मास अधिक श्रावण, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की विनायक चतुर्थी है। सुबह 9:27 के बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। नक्षत्र दोस्तों पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। शाम को 4:58 के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों वरियान योग है। 1:24 के बाद परिधि योग जो शुक्ल योग है वो शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। सुबह 9:27 के बाद भव करण है दोस्त। रात को 10:38 के बाद बालव करण है दोस्त। दोस्तों प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज कर्क राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने ही कुंभ राशि में। दोस्तों बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार होगा। आगमन जो है सुबह 6:03 पर होगा और निगमन जो है वो 7:17 पर होगा। दोस्तों इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य पूजा का संकल्प अब हम छोड़ना है। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले और यह संकल्प जो है बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्त मानस ब्रह्मा द्वितीय परार श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतर कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरत खंडे में महाराष्ट्र देश व्यापारी कचा शालिवान शक 1945 प्रभावी षष्ठी संवत्सरा शोभन नाम सत्य दक्षिणाय ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। अधिक श्रावण मास से शुक्ल पक्ष शनिचर वास रहे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वरियानी होते विष्टिकरण विनायक चतुर्थी शुभ दिन तो मनोगोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पाप दुरितक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार
नित्य देव पूजा करिष्य एवं इष्टलिंग पूजा करिष्य। दोस्तों यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 9:27 तक है। अगर आप इस समय के बाद संकल्प छोड़ना है चाहते हो तो कृपा करके आप ऊपर वाले पंचांग का सहारा लें। दोस्तों आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और उनके लिए मुहूर्त जो है बताए गए हैं। प्रथम दोस्तों सगाई तथा मंगनी के लिए जो मुहूर्त है जुलाई तारीख 23, 24, 26 और 28, अगस्त तारीख 1, 2, 5, 7, 10। गोद भराई के लिए तारीख दी गई है दोस्तों मुहूर्त का जुलाई तारीख 24, 28, अगस्त तारीख 1 और 2। नामकरण के लिए दोस्तों पाली भिषा दिया कुमार। गोद भराई के लिए दोस्तों जुलाई तारीख 24, 28, अगस्त तारीख 1 और 2। नामकरण करने के लिए दोस्तों जुलाई तारीख 22, 23, 25, 28, अगस्त तारीख 3, 5, 10 ये मुहूर्त दिए गए हैं। दोस्तों मुंडन या चूड़ाकर्म के लिए मुहूर्त दिए गए हैं जुलाई तारीख 24, 26, अगस्त तारीख 2 और 3। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों जुलाई तारीख 23, 24, 26 और 28। अगस्त तारीख 2, 3, 5 और 10। दोस्तों इस ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य ऐसा मुहूर्त अपने जन्म कुंडली के हिसाब से तैयार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई मुहूर्त नाम निकालेंगे। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त ना निर्माण ना करें या कौन आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों दोस्तों जनेऊ संस्कार शादी ब्याह वास्तु शांति भूमि पूजन पर्यावरण तथा देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ऐसी कोई भी धार्मिक विधि के लिए मुहूर्त ये इस पंचांग में नहीं दिए गए हैं। दोस्तों इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से किसी पंडित के सारे मुहूर्त ना या किसी पंडित को अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के लिए मजबूर ना। दोस्तों आप पंचांग की जो महत्वपूर्ण और कोई जानकारी है वो देखेंगे हम। पंचांग शुद्धि दोस्तों 12 बजे के बाद अच्छा दिन है। तब तक दिन विशेष दोस्तों 9:27 तक भद्रा है और पंचमी श्राद्ध भी है दोस्तों, मतलब अपने पितरों के लिए जो श्राद्ध कर्म हम करते हैं पितृपक्ष में और मृत तिथि पर, अगर किसी आपके पूर्वजों की तिथि कल की है तो कृपा करके आप ये कर्मकांड जरूर करें।
अग्नि धरती पर सुबह 9:27 तक, उसके बाद में राहु काल जो है वो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई पूजा शत प्रतिशत और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं इस धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता कर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके लिए फैमिली और हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स आप जरूर दे दो। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम, शिव शंभो।